सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉर गॉट रियलम के एपिसोड 2 के साथ हां जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें हवा में उड़ती हुई कुछ बिल्डिंग्स दिखाई जा रही होती हैं और वहीं पे हमारा हीरो फैंग होता है। फैंग उस जगह को देखते हुए कहता है कि मैं एक्चुअल में एंट्रेंस की जो जगह है मैं उसे भूल ही चुका हूँ, क्योंकि जो पुराने वर्जन थे उनके ऊपर कैसे एंट्रेंस थी अब मुझे याद ही नहीं है। पर फिर यहाँ पे उड़ते हुए एक लड़की आती है जो यहाँ पे एक्चुअल में एक नेविगेटर है। वो लड़की फैंग से कहती है और तुम्हारा वेलकम इस गेम के अंदर, और मैं तुम्हारी नेविगेटर हूँ और यही से मैं तुम्हें आगे नेविगेट करूंगी कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, और अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि तुम्हें इस गेम के अंदर कौन सी क्लासेस मिलेगी। अभी यहाँ पे एक्चुअल में 12 जॉब्स हैं, तुम्हारी जो पसंद की हो वो तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फैंग साइड लिस्ट चेक करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन की स्किल चाहिए। वो लड़की उससे कहते है कि हाँ अभी तुम्हारी जो जॉब है वो सिलेक्ट हो गई है, सब तुम्हारा नाम सेट कर दो। फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मुझे अपना वही पुराना नाम यूज करना चाहिए, और फिर वो उस लड़की से कहता है कि मेरा नाम यही फैंग रख दो। और फिर सिस्टम फैंग से कहता है कि क्या तुम्हारा जो अपीयरेंस है उसे चेंज करना है। फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे क्या अपना जो अपीयरेंस है उसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है सो इसके लिए मुझे बदल लेना चाहिए। और वैसे बोलते हुए अपना कुछ अपीयरेंस चेंज कर लेता है। और फिर उसके बाद वो लड़की फैंग से कहती है कि अभी तुम यहाँ पे अपनी जो बर्थ प्लेस है वो स्टार मून किंगडम के अंदर वो तुम सिलेक्ट कर लो। फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो व्हाइट रिवर सिटी है वो एक्चुअल में स्टार मून किंगडम की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट 5th सिटी है, और यही के जो लोकेशन है वो अच्छा भी है। और वैसे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जो गिल्ड्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसे दूर रह सकता हूँ। वो लड़की फैंग से कहते हैं कि तुम्हारी लोकेशन सिलेक्ट हो चुकी है, अब तुम सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिए जाओगे। और फिर वहाँ पे 3 सेकंड्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, और फिर जैसे काउंटडाउन खत्म होता है वैसे ही वैसे फैंग गायब होके सीधा वही लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पे उसने सिलेक्ट की थी। अब यहाँ पे एक्चुअल में फैंग ने एक रेड लीफ टाउन को सिलेक्ट किया होता है, और वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये रेड लीफ टाउन सबसे ज्यादा बेस्ट है। और फिर वहाँ पे हमें कुछ और भी लोग दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे इस गेम के अंदर ज्वाइन कर चुके होते हैं, और वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। और फिर दूसरे लोग कुछ कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग क्वेस्ट कहाँ से ढूंढ सकते हैं। फैंग अपना स्टेटस ओपन करते हुए कहता है कि अभी जब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं सब हमारे पास 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं, और अभी इन्हीं एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम हमारी जो स्किल्स हैं उनके अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। और फिर फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी अभी मुझे पता है कि यहाँ पे जो फिजिकल डैमेज देने वाले जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में इसी तरह से अपने एट्रीब्यूट को यूज करना पसंद करेगी। सबसे पहले अपनी एट्रीब्यूट को स्ट्रेंथ के अंदर डाल के अपने डैमेज को बढ़ा लेंगे। और वैसे मैंने भी यही चीज सेम की थी अपनी पास्ट लाइफ के अंदर, पर मैं इस बार अपने मेली कैरेक्टर को चूज किया है। सब इसे कारण से मैं अपनी एबिलिटी के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स डालना पसंद करूंगा, क्योंकि एबिलिटी के कारण ही मेरी जो स्पीड है वो बढ़ेगी और साथ साथ अटैक की स्पीड भी अपने आप बढ़ जाएगी, और ये वैसे मेरे लिए हेल्पफुल भी रहेगा इतने ज्यादा अर्ली स्टेज पे। और वो ऐसे बोलते हुए उसने अपने जो एबिलिटी के अंदर पॉइंट्स होते हैं वो डाल लिया होता है। फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो मैंने किया है वो एक्चुअली में बहुत समझदार लोग ही कर पाते हैं, नहीं तो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो सभी तो ऐसे ही बाद में जाके रिग्रेट करते हैं कि उन लोगों ने क्यों अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ही पॉइंट डाल दिए। हाफिज अभी उतने में फैंग को वहाँ पे कॉल आता है। एक्चुअल में ये जो फोन है वो एक्चुअली ब्लैकी की तरफ से होता है। फैंग उसका कॉल उठाता है। ब्लैकी फैंग से कहता है कि मैंने अभी अपना जो प्रोफेशन है वो एक्चुअल में कर्स मेंजर का रखा हुआ है, और मैं एक्चुअल में टेलीपोर्ट हुआ हूँ मूनफॉल टाउन के अंदर, पर अब तुम बताओ तुम कहाँ पे हो। फैंग ब्लैकी से कहता है कि मैं अभी एक्चुअल में रेड लीफ टाउन में हूँ, और वैसे अभी ये जो जगह है वो काफी ज्यादा दूर भी नहीं है, तुम यहाँ पे आ ही सकते हो। ब्लैकी उससे कहता है कि एक मिनट, ये रेड लीफ टाउन है ना, पर मैप तो मुझे बता रहा है कि अभी मुझे वहाँ पे जाने के लिए 7 घंटे लग जाएंगे, और वहां तक आना ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत से लोग अपने आप को लेवल अप करना स्टार्ट कर चुके हैं, और मुझे लगता कि मैं 7 घंटे वहाँ पे आने के लिए वेस्ट कर दूं यार। फैंग ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी क्या तुम्हें हमारा जो गोल है वो याद भी है, क्या तुम्हें सच में लगता है अगर हम लोग इसी तरह से ट्रेन करेंगे तो क्या हम लोग वर्कशॉप ओपन करने के लिए इतने पैसा जमा भी कर पाएंगे। ब्लैकी फैंग से कहता है कि हाँ वैसे तुम सही तो कह रहे हो, हम लोग ऐसे तो नहीं कर पाएगी। फिर फैंग ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी देखो मैंने यहाँ पे एक यूनिक क्वेस्ट के बारे में सुना था, वैसे क्या तुमने कभी इस क्वेस्ट के बारे में सुना है क्या। ब्लैकी फैंग से कहता है कि हाँ मैंने सुना हुआ है, और वो ये बोलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, और वो कहता है कि तुम तो यहाँ पे ये वो इसी क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हो ना, ये मिशन ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा हिडन होती है, और वो एक्चुअल में सिर्फ एक ही बार तुम कर सकते हो हर एक सर्वर के ऊपर, और अगर तुम इस चीज को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिल जाता है, और वो इतने सारे रिवॉर्ड होते हैं कि तुम अपने 10 साल तक का काम एक ही दिन में कर लोगे। फैंग ब्लैकी के साथ बात करते हुए एक जगह पे जा रहा होता है,
और फिर ब्लैक इसे कहता है कि अभी यहाँ पे जो रेडलिफ टाउन है यहाँ पे ऐसी एक मिशन है जिसके बारे में मुझे पता है। तो अब क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या अब तुम यहाँ पे मेरी जो सिटी है उसके अंदर आने वाले हो मेरे साथ लेवल अप करने के लिए। ब्लैकी फैंग से कहता है कि हाँ देखो अभी यहाँ पे मुझे तुम्हारे तक पहुँचने के लिए 7 घंटे लगने वाले हैं पर मैं फिर भी तुम्हारे पास आता हूँ। पर एक मिनट रुको फैंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है कि तुम जहाँ पे हो वहीं पे ये क्वेस्ट है। पर एक मिनट रुको, मुझे गैस करने दो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे किसी बीटा टेस्टर के साथ ही गेम खेल रहे हो जो तुम्हें पहले ये सारी बातें बता रहा है। फैंग क्या तुम मुझे बता सकते हो? फैंग क्या बताओ, मैं जो बोला वो सच है? फैंग उससे कहता है कि पहले तुम अपने आप को शांत कर लो और तुम यहाँ पे रेडलिफ टाउन के अंदर आ जाओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें हेल्प करूंगा लेवल अप करने के लिए। और फिर जैसे ही हम लोग ये वाली क्वेस्ट खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनसे भी ज्यादा फास्ट लेवल अप कर पाएंगे। और फिर उसके बाद ब्लैकी ने यहाँ पे फोन कट कर दिया होता है और फिर फैंग एक आदमी के पास जाते हुए कहता है कि हे क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फूड है जो तुम मुझे दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअली में 5 दिनों से खाना नहीं खाया है। फैंग उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है पर क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी रिक्वेस्ट है जिसमें कोई अच्छी प्राइस के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो फिर फैंग मन में कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड की तरह बात करेंगे इन लोगों के साथ तो इन लोगों की जो यूनिक क्वेस्ट होती है वो अपने आप ही ट्रिगर कर जाती है। वो आदमी जरा अलग सा फेस बनाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेस्ट देता हूँ, तुम जाके इस रेड लीफ टाउन के जो मेयर हैं, उसे मार के लाओ मेरे लिए। और फिर यहाँ पे सिस्टम अपीयर होता है और उस फैंग से कहता है कि अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो क्या? फैंग सिस्टम को देखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अभी पूछना चाहते हो कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ? मैं ऑब्वियसली इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और वैसे बोलते हुए उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर चुका होता है। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन पे टाउन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से लोग आ चुके होते हैं और वो लोग यहाँ पे एक्चुअली मेयर के पास ही आए होते हैं। और फिर मेयर के पास जो खड़ा लड़का है वो सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो लोग स्टार्टिंग में गेम स्टार्ट कर रहे होते हैं उन लोगों को पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है पर अभी यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेयर यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा पैसा दे रहा है जो इन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और साथ साथ वो एक्चुअल में जरा एक्सपीरियंस भी दे रहा है। और फिर थे वहाँ पे हमें वो मेयर दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो लाइन थी उनमें से दूसरे मेंबर को बुलाते हुए कहता है कि अभी तुम आगे बढ़ सकते हो और अभी यहाँ पे जिसका नंबर होता है वो एक्चुअल में फैंग का ही नंबर होता है। फैंग उसकी एचपी देखते हुए कहता है कि इसकी एचपी 2400 है और इसकी मानव पावर तो 1500 है और अभी फिलहाल मेरा जो लेवल है वो इतना ज्यादा कम है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी 100 कॉपी भी लेके आ जाऊँ तो मैं इसे इतनी जल्दी तो नहीं हरा सकता पर फिर भी मुझे यहाँ पे वो क्वेस्ट तो खत्म करनी है। और वो ऐसे बोलते हुए उसके जो एप्पल जो खा रहा था वो मेयर के मुंह पे मार देता है जिसको देखते हुए बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान से हो चुके होते हैं और वहाँ पे जो मेयर होता है वो बड़े गुस्से में आ चुका होता है। सिस्टम अलर्ट करते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो ये फैंग का जो रिलेशन है वो मेयर के साथ वो बिगड़ चुका है और तभी तुरंत ही वो मेयर फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और वो मेयर फैंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, अब तुम्हारी इसी गलती के कारण मैं तुम्हें हेल के अंदर भेजने वाला हूँ। फैंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए अपने मन सोचते हुए कहता है कि सारे के सारे प्लेयर्स जल्दी से रेडी हो जाइए अपने प्यारे रेड लीफ टाउन के मेयर को बाय करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज का अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।